ये देखें जी सारी मिट्टी है जी इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मलिक नईम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं जी वीडियो शुरू। अब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के आल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और सुबह सुबह जी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी, और गर्मियां जा चुकी हैं जी, अब मौसम तब्दील हो रहा है जी आहिस्ता आहिस्ता, और सुबह को जी थोड़ी थोड़ी ठंड है जी अभी, और मौसम टोटली चेंज हो चुका है जी। देखें जी माशाल्लाह ठंडी हवा चली हुई है जी। ये जी दरख्त हमने ख़रीद रहे हैं जी, और बच्चों के लिए जी सर्दियों में जी ये आग के तौर पर इस्तेमाल होंगे ड्रम में, और इसके जी अभी टुकड़े टुकड़े करने हैं जी, वो मिट्टी वगैरह निकाल रहे हैं जी इनमें से। उधर सामने मशीन पड़ी है जी, ये सारी छोटी की हैं जी, ये बड़ी बड़ी थी जी, ये सामने मशीन पड़ी है जी। ये अभी मिट्टी वगैरह निकाल रहे हैं जी, वो उधर सामने मैं अभी खाना ले आया हूँ जी, वो भाई खाना खा रहे हैं जी, तो वो कह रहे हैं जी इसके में से ना मिट्टी निकाल दो, नहीं तो ये वो ना मशीन नहीं चलेगी। ये जी जो हमने मकई लगाई थी जी, वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है जी, और हमने कटाई शुरू कर दी है जी जानवरों को खिलाने के लिए जी। ये इधर से सारी हमने काट ली है जी उधर तक। मामू भी आए हुए हैं जी, वो उधर सामने खड़े हैं जी। ये जी हमारे फार्म के बाइक साइड पे जो जी दरख्त थे वो बिक गया है जी, ये अभी वो बड़ी लकड़ी ले गए हैं जी, ये अभी छोटी जो बची हुई हैं जी वो लेने आए हुए हैं जी। देखें जी हवा चली हुई है जी ठंडी ठंडी अल्हम्दुलिल्लाह से जी, अब सर्दियां आ चुकी हैं जी। ये घर लेके जा रहे हैं जी, ये खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होंगी जी ये लकड़ियाँ, लकड़ियों की जी इस दफ़ा पंजाब में बहुत ही किल्लत है जी। ये डॉक्टर आए हुए हैं जी, ये ना गायें चेक करवानी है जी। ये देखें जी सारी मिट्टी है जी इसमें, और निकाल रहे हैं जी, मेहनत कर रहा है जी हामिद, मोहब्बत का शुक्रिया सही। अभी देर है जी उसको शादी को। क्या हाल है इधर जी, उस्ताद आर्य को जी बना रहे हैं जी।
ये जी बने हुए हैं जी काउंटर वगैरह दीवार में लगने के लिए जी। ये हम आज के जी लग रहे हैं जी, और अंदर भी आपको दिखाते हैं जी, वो लगे हुए हैं जी बुक्स रखने के लिए। ये देखें जी, ये बनवाए हैं जी इन्होंने बुक्स रखने के लिए। ये अभी आपको दिखाते हैं जी, ये खोल के ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह। काफी बड़े बड़े हैं जी, ये कपड़े खड़े करने की जगह है जी ये वाले। ये देखें जी, इस ऊपर भी सारे काउंटर हैं जी। उस्ताद के उजार जी तेज हो चुके हैं जी, आ रहा अब कटाई कर रहे हैं जी। बिया देखें, उजार तेज हो चुके हैं जी। अभी जी अपने शहर चलते हैं जी, कुछ खाने पीने के लिए कुछ खा के आते हैं जी, थोड़ा सा भूख लगी हुई है जी, और अभी चलते हैं जी कुछ खा के आते हैं, समोसे वगैरह खाते हैं जी। जी चलते हैं, अभी जी मेन अड्डे पे आए हैं जी रिवाड़ियों वाले के समोसे खाने के लिए जी। मामू भी साथ हैं जी, अभी समोसे खाते हैं जी। मज़ेदार ज़बरदस्त हैं जी। अभी समोसे खा लिए हैं जी गरम के बाद है जी, अब ठंडे का टाइम जी, इधर से कुल्फा खाते हैं जी। कुल्फा हमारा आ चुका है जी, अभी खाते हैं जी। मज़ेदार जी। अभी जी अजान असर हो चुकी है जी, और हम अपने शहर से आ चुके हैं जी, और अभी चलते हैं जी नमाज अदा करते हैं जी, नमाज असर अदा करते हैं जी। और अब टाइम काफ़ी चेंज हो चुका है जी, पहले असर की अजान 5 बजे हुआ करती थी, 5:15 जमात हुआ करती थी, अब दिन छोटे हो रहे हैं जी, और 4:15 जी जमात हो रही है जी हमारी मस्जिद में। अभी 3 मिनट रहते हैं जी, अभी चलते हैं जी नमाज अदा करते हैं बाजमात। अल्हम्दुलिल्लाह से जी नमाज अदा कर ली है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चाचा का जी भाना है जी, इधर 2 गायें बंधी हुई होती थी जी,
और ये ईंटें जी उधर पड़ी हुई थी सामने, इसमें से ही सांप थे जी, और जो सांप निकले हैं जी और गायों को दोनों को डसा है जी उन्होंने। अब देखें जी भाना वीरान पड़ा है जी। बस यही मेरे चाचा का जी रोजगार थे और जरिया माश थी जी, और इन्हीं से जी अपना घर का निज़ाम वगैरह चलाते थे जी। और इधर जी सुबह सुबह दरख्त की कटाई हो रही है जी। इधर था जी दरख्त सामने। कौन है? मीडिया वाला? हाँ मीडिया वाला है। खड़े खड़े बोल बोलता हूँ। ये सूखा हुआ था जी कीकर। अभी जी इधर सामने हमारे हमसाए हैं जी, कारी जवार, उनका ना बेटा पैदा हुआ है जी। वो ना अपने बेटे का जी अकीका कर रहे हैं जी। एक जानवर ले आए, वो भी ज़बह किया है जी उन्होंने। अभी आपको चल के दिखाते हैं जी। कमों को देखें जी। इधर आए गुंडा
यार एक कपड़ा और भाई सही जरा हां ना टांग दे तो टांग दे तू टांग दे ओए दे दे यार दे ये सब सारा बड़ा तेरे को है ना मैं खाली करेंगे एक नु टांग दे पीस नु टांगना कि टाइम मांगे था यार दे ना आसपास इन खींचना थोड़ी इन सीना दो में पीस वाली नहीं जाना किधर नहीं जाना दूसरे पीस के अगर पास में पानी मिल जाए ये लटका दिया आज गोश्त का टुकड़ा मियां मिठू जा रहे हैं जी इधर जी अंकल मामू घास कर रहे हैं जी ये आवारा कुत्ते आए हुए हैं जी इधर जानवर ज़िबा हुआ हुआ है ना उनकी हड्डियां वगैरह आई हुई है ना इनको खुशबू पड़ गई है जी आए हुए हैं कुत्ते वो जा रहा है एक सामने राम फरीद क्या हाल है अभी जी ये ना हम शीट लगवा रहे हैं जी इधर सामने ये ना देखें जी आप ये शीट लगवा रहे हैं जी हम ये इधर नीचे ये देखें जी रंग उतर गया है जी सारा ये सेम की वजह से पानी की वजह से तो अभी ये ले आए हैं जी ये इधर इधर तक लगा देंगे जी वो उधर उस्ताद सामने बैठे हैं जी काम कर रहे हैं ये छोटा मिस्त्री भी आया हुआ है ये सामने लगी हुई है जी एक प्लेट सी थी इधर भी रंग उतर गया जी सारा सीधा ये है जी शीट ये खोल रहे हैं ये देखें ये वाला डिज़ाइन है जी माशाल्लाह ये लगेगी जी इधर सामने अभी दोपहर का टाइम हो चुका है जी खाना लेने चलते हैं जी अपने शहर से जो अंकल काम कर रहे हैं जी उनके लिए खाना लेना है जी अभी चलते हैं जी लेने के लिए खाना इधर से रोटी लेंगे जी और सालन भी झारे के देरे से जी ऑर्डर दे दिया जी अभी तैयार होगा जी हमारा एक सब्जी की और एक चिकन की जी प्लेट करवाई है जी ये हमारे शहर का जी मेन जान चौक है जी
इधर जी गर्मा गर्म रोटियां लग रही हैं जी। ये है जी चिकन माशाल्लाह। आलू पाव आलू जी आलू पाव पा दो। एक चिकन की जी और एक दाल माश करवाई है जी। तीन लोग हैं जी, बड़ी काफी है उनके लिए। पंद्रह रोटे कर दे लाले, पंद्रह और पंद्रह रोटे करवाई हैं जी। पंद्रह रोटे सही हैं। वो हमारी रोटियां हैं जी जो तकरीबन 12 हो चुकी हैं जी, 13। हमारा तैयार हो चुका है जी पार्सल। पार्सल ले लिया है जी खाना, अभी चलते हैं जी घर की तरफ। लगना स्टार्ट हो गई है जी। एक उसे शीट से लेना प्लास्टिक शीट, ये प्लास्टिक शीट लग रही है जी। ये राजी इधर सालन खोल रहे हैं जी। अभी दोपहर के खाने का टाइम हो चुका है जी, अभी खाना खाते हैं जी। साद उधर जा रहे हैं जी हाथ धोने के लिए। हाँ भैया सत ठीक है। अभी हम भी खाते हैं जी। कपड़े उठाएं तो बात में आधा पिया अभी तो चाहिए वहाँ सही है। अल्लाह से मियार पानी के दिया देंगे ताकि अंदर सुरियाली फैक्ट्री था सही है। उधर जद्दे मज़ेदार जी, मिर्चां काफ़ी ज़्यादा हैं जी।
आज का जी यही व्लॉग था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।